हे दोस्तों, मेरा नाम है राज। आज मैं फिर एक न्यू एक्साइटिंग वीडियो में आया हूँ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप किसी भी पीसी में रिमिक्स ओएस इंस्टॉल कर सकते हो। सिंपली अपना पेन ड्राइव में, मिनिमम आपको पेन ड्राइव 8 GB से ऊपर चाहिए, उसमें आप रिमिक्स ओएस इंस्टॉल कर सकते हो। और रिमिक्स ओएस होता क्या है? रिमिक्स ओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आप विंडोज़ की तरह टास्क परफॉर्म कर सकते हो। यानी लेकिन विंडोज़ में आपको जब भी कोई ओएस इंस्टॉल करते हो तो उसमें आपको नंबर ऑफ ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं। रिमिक्स ओएस में कोई ड्राइवर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है और इसका लुक बहुत ही अच्छा है। आप सिंपल कॉन्फ़िगरेशन पीसी को आप इसमें एडवांस बना सकते हो। तो चलो यार, देखते हैं कैसे करना है। तो जैसे कि आप जैसे तो मेरे डेस्कटॉप पे मैंने रिमिक्स ओएस का जिप फाइल डाउनलोड कर लिया है। आप लिंक से डाउनलोड कर लें, आपको सिंपली से एक्सट्रैक्ट कर लेना है। आप देख सकते हो एक्सट्रैक्ट हो रही है। जब ये एक्सट्रैक्ट हो जाए तो इसमें से आप देख सकते हो कुछ फाइल आए हैं, ISO फाइल है और एक इसका सॉफ्टवेयर है और कुछ टेक्स्ट फाइल है। टेक्स्ट फाइल की हमें ज़रूरत नहीं है, मैं उसे डिलीट कर दे रहा हूँ। फिर आपको अपने जिस पीसी में जाना है, मतलब कि माई कंप्यूटर में, वहाँ पे आपको पेन ड्राइव को अपने फॉर्मेट कर लेना है एक बार। लेकिन फॉर्मेट करने से आपको पहले कुछ बातों को नज़र में रखना पड़ेगा। आपका पेन ड्राइव 18 GB से ऊपर होनी चाहिए, 8 GB से ऊपर होना चाहिए और यहाँ पे FAT32 सेलेक्ट होना चाहिए। मैं अपने घर में 16 GB यूज़ कर रहा हूँ। आपको फॉर्मेट कर देना फिर पेन ड्राइव को। फिर आपको सॉफ्टवेयर को रन करना है। मैं अपने कश्मीर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा हूँ, आप भी रन कर लें। आप देख सकते हैं आप सॉफ्टवेयर का इंटरफेस को जैसा है। यहाँ पे आपको जो मैंने जिप फाइल से ISO फाइल एक्सट्रैक्ट किया था, आपको यहाँ पे ब्राउज कर लेना है। सिंपली मैं ब्राउज पे जाऊँगा और मैं इसे ब्राउज कर लूँगा। उसके बाद आपको कुछ बातों की नज़र में रखनी है कि आपको इसे अपने हार्ड डिस्क में इंस्टॉल नहीं करना है, आपको इसे यूएसबी ड्राइव में इंस्टॉल करना है। तो आप वहाँ पर टाइप में जाके यूएसबी ड्राइव सेलेक्ट कर ले और अपने यूएसबी ड्राइव का नेम एक बार जरूर चेक कर ले, वरना कुछ भी हो सकती है, आपका हार्ड डिस्क क्रैश कर सकता है। जैसे मैंने जी था, मैंने जी सेलेक्ट कर लिया। आपको ओके कर देना है, फिर ओके कर देना है। आप देख सकते हैं प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। रिमिक्स ओएस एक ऐसा ओएस है जिसमें आपको एंड्रॉयड के सारे एक्सपीरियंस मिलते हैं, लेकिन अगर आपका पीसी लो कॉन्फ़िगरेशन का तो भी आप इसे रन कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे क्वालिटी में सब चीज़ यूज कर सकते हैं। इसका ग्राफिक इंटरफेस विंडोज़ से मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा पसंद आया, मैं पर्सनली इसे बहुत यूज़ करता हूँ। आप जब सारा कुछ इंस्टॉल हो जाए तो आपको रिबूट नाउ का ऑप्शन मिलेगा। आप इसे रिबूट नाउ कर लें। आफ्टर रिबूटिंग सेलेक्ट द यूएसबी बूट ऑप्शन फ्रॉम द बायोस। जैसे मैं अपने बायोस में अभी अपना डेल का लैपटॉप ऑन किया, अब मेरा बायोस बटन 12 है। आप अपना नेट पे चेक करके कर सकते हो। इसे मैंने बायोस सेलेक्ट खोला, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख रही हैं। तो मैंने UEFI बूट में मैंने UEFI सैंडिक्स सेलेक्ट किया। मेरा पेन ड्राइव सैंडिक्स का है। अब जैसे पेन ड्राइव बूट हो रही है, यहाँ पे कुछ चार ऑप्शन, रेसिडेंट मोड, गेस्ट मोड और वेनेबल मोड। आपको यहाँ पे गेस्ट मोड, मैं अपने कश्मीर गेस्ट मोड सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसमें आपको कोई डाटा इसमें सेव नहीं होगा और इसमें लोडिंग फास्ट होती है, इसलिए मैंने अभी सेलेक्ट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। और रेसिडेंट मोड में आपके सारे डाटा सेव होते हैं, उसको लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपको रिमिक्स ओएस ही यूज़ करना था, प्लीज़ 3.0 वर्जन वाला पेन ड्राइव यूज़ करें तो आपका लोडिंग फास्ट बढ़ जाएगा। आप जैसे यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से रिमिक्स ओएस मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मैं फिर मिलता हूँ एक न्यू एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।